श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों आज 19 अगस्त दिन शुक्रवार और साथ ही जन्माष्टमी पड़ रही है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा संयोग है दोस्तों। आज के दिन आप लोगों को ऐसा ही एक छोटा सा उपाय प्रदोष के समय पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया गया अवश्य करना है। दर्शकों इस उपाय को करने से आप लोगों को आर्थिक फल की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के साथ माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज के ये जो दुर्लभ संयोग है कई सालों बाद आज फिर बना है। दोस्तों इस दुर्लभ संयोग के दौरान आप लोगों को एक ऐसा ही छोटा सा उपाय पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया गया अवश्य करना है। किस प्रकार से करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज की जो उपाय है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना आपकी जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो दोस्तों आज रात्रि में प्रदोष के समय आप लोगों को खाना खाने से पहले इस कार्य को करना है, और जो लोग आज के दिन जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वो भी इस कार्य को अवश्य करना है। उनको इस कार्य को करने से बहुत ही लाभ दो गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो आज की रात्रि में प्रदोष के समय 7 से 8 या 9-10 बजे के करीब आप लोगों को इस कार्य को करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक देसी घी का दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाकर आप लोगों को अपने घर की जो दहलीज होती है, जो चौखट होती है, उस पर आप लोगों को उस दीपक को रखकर जला देना है। जलाने के बाद में आप लोगों को एक इलायची लेनी है, एक इलायची लेकर और उस एक इलायची को अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए हाथ में लेकर, अपने सीधे हाथ में लेकर अपनी हर मनोकामना को बोलते हुए और उस दीपक का जो घी है उसमें थोड़ा सा डुबोकर और दीपक की लौ में 7 बार घुमाकर और फिर बाद ये अपने सिर से और पांव तक 7 बार उबार कर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए अपने घर की दहलीज से बाहर फेंक देना है। आपको ये नहीं देखना है कि किधर गिरी किधर नहीं गिरी, आपको मात्र फेंक देना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। साथ ही साथ ये जो दिन है बहुत ही कारगर दिन है, इस कार्य को आप लोग अवश्य करें, आपको बहुत ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो आज के दिन इस कार्य को अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।